हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। यहाँ आपको जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एंड सेकंड सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी का है उसके लिए आपकी स्टडी कराई जाएगी, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। सोशियोलॉजी की वीडियोस पहले से भी हैं और बाकी फर्स्ट पेपर के भी कुछ हैं वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में जाएं। आप लोग जितने भी न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जितनी भी वीडियोज़ हैं आराम से देख सकते हैं, उनसे नोट्स बनाइए, अभी आपके पास काफ़ी समय है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कल आंसर की आ गई है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करें, साइट पर है, ठीक है, एनटीए के साइट पर है, आंसर की आ गई है, ठीक है, कल शाम को आई है, आप लोग देखिए अच्छे से। और ये चैलेंज आप 13 दिसंबर तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि राइट आंसर कुछ और है और एनटीए ने राइट आंसर किसी और ऑप्शन को माना है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप 13 दिसंबर तक ही कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और फिर कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते 13 दिसंबर के बाद, आप पहले ही आपको जो भी करना है पहले ही करना है। तो अच्छे से देखिए और प्रूफ भी उनको आपको देना पड़ेगा कि कहाँ से आपने देखा है, पढ़ा है राइट आंसर जो आप बता रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, अभी 13 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट पेपर जो है हायर एजुकेशन उसमें देखने वाले हैं, उसी को देख रहे हैं। अभी कई दिन से वीडियोस आ रही हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखें, ठीक है। हम लोग आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी देखने वाले हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो एनसीईआरटी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1 सितंबर 1961 को सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में किया गया है। कब हुआ है गठन? 1 सितंबर 1961 को हुआ है, ठीक है। वर्तमान में ये जो संस्था है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जो एनसीईआरटी है इसका संचालन एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपने गठन देख लिया कब है, किसके अधीन ये काम करती है वो, और इसके उद्देश्य मेन है, ठीक है, मैचिंग में आ जाता है कभी कभी, कथन और जो तर्क वाला निष्कर्ष वाला नहीं होता उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके उद्देश्य देखिए क्या है, विद्यालय शिक्षा में सुधार करना, शिक्षक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना, विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना और अनुसंधान कार्य में सहायता करना एवं अनुसंधान कार्य का समन्वय करना, शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करना एवं संपादन करना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं समाज कल्याण मंत्रालय का मंत्रालय की स्कूल स्तरीय शैक्षिक नीतियों के निर्धारण क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग एवं परामर्श देना है, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय की जो स्कूल स्तरीय शैक्षिक नीतियां हैं उनका निर्धारण और क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग और परामर्श देना इसका कार्य है, उद्देश्य है। दूसरा है, नेक्स्ट है जो है वो शैक्षिक पुनर्निर्माण कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन करना, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चाओं का निर्माण एवं सुधार करना, क्लास की बात करें फर्स्ट से ट्वेल्थ तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता देना तथा जनसंख्या शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी बनाना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा रिसोर्स सेंटर की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है, कार्य है। स्कूली बालकों के लिए वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना, स्कूलों के लिए विज्ञान किट तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनेस्को एवं यूनिसेफ तथा अन्य देशों की शिक्षा संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करना है। अब इसके जो कार्य, ये सब हो गए उद्देश्य, ठीक है। अब जो कार्य हैं वो देखिए, स्कूली शिक्षा संबंधी अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, एनसीईआरटी के जो कार्य हैं वो देखिए, स्कूली शिक्षा संबंधी अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, विद्यालय शिक्षकों के लिए सेवारत सेवा पूर्व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना, शिक्षा विस्तार सेवाओं को सुसंगठित करना, ठीक है। इसके अलावा स्कूलों में संशोधन एवं विकसित शिक्षा प्रविधियाँ लागू करना, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोगों ने भी पेपर देखा है आप लोग जानते हो पेपर कितना टफ आया था, ठीक है, जैसे पहले आता था वैसे
बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग चेंज हो गया है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नेट और JRF निकालना आगे के लिए, तो आप लोग प्लीज़ डरा नहीं रहे, अभी आपके पास काफ़ी समय है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने तरफ से भी तैयारी करिए और अभी से लग जाइए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, नवोदय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना। नेक्स्ट है शिक्षक निर्देशिका, छात्रों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, प्रयोगशाला सामग्री, शिक्षण सामग्री तथा चलचित्र तैयार करना। अभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा है, NCERT के बारे में देखा है, इसका गठन कब हुआ, किसके अधीन ये काम करता है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसके कार्य देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ठीक है। अब इसके में देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब देखिए क्या है, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। किसने रखी थी, जो शिक्षक मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव यानी UGC की नींव रखी थी। कब रखी थी, 28 दिसंबर 1953 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को नींव रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वयन निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। आगे देखिए, पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च स्तर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं उनको अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपाय और सुझाव भी देता है UGC। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर UGC के कार्य देखें तो देखिए क्या है, उच्च शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच पहल पड़ताल करना, ठीक है। उच्च शिक्षा की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी जांच पहल पड़ताल करना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करना, डीम्ड जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको अनुदान प्रदान करना, विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना भी इसका कार्य। इसके अलावा राज्य सरकारों को नवीन विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में सुधार के लिए सलाह भी देना है इसका काम, ठीक है। जो राज्य सरकार है वहां पर उनके लिए नवीन जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, ये विश्वविद्यालय ठीक कर लीजिएगा, कि उनकी गतिविधियों के सुधार के लिए भी सलाह देना है, केंद्र राज्य विश्वविद्यालयों की नीति को जो है नीति निर्दिष्ट सलाह भी देना है। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों को शैक्षिक वित्तीय एवं अन्य जानकारी रखना भी इसका कार्य है, ठीक है। अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना, ठीक है, अनुसंधान जो कार्य उनके लिए प्रोत्साहन हेतु उनको सहायता देना, तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना तथा विशेषज्ञों का पैनल भी तैयार करना इसके कार्य है। कुछ इंपॉर्टेंट थे तो वो जो आपको बताए गए अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये करंट का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जल्दी ही जो UGC है उसने देश में अनुसंधान की संस्कृति, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल, ठीक है, एक नया जो प्रोग्राम है, पहल है, या हम कहें यूँ स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, इसकी घोषणा की है, ठीक, किसने की है, इंपॉर्टेंट है, UGC ने की है। नाम क्या है वो आपको देखना है, स्ट्राइट शॉर्ट में भी आ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको हो सकता है बताना पड़े, ठीक है। अब इसके उद्देश्य देखिए क्या है, स्ट्राइट के इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना, ठीक है, इसके उद्देश्य इंपॉर्टेंट है और ये करंट का भी हो जाएगा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या है, इस योजना का जो उद्देश्य है युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए क्या है, मानविकी और मानव विज्ञान के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए बहुसंस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परियोजनाओं को फंड भी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब देखिए ये क्या है, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, अब ये क्या है, यह नए वैचारिक सैद्धांतिक पद्धतिगत नवाचारों के निर्माण हेतु विभिन्न विषयों के क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रयास है, ठीक है,
यह नए वैचारिक सैद्धांतिक प्रगतिगत नवाचारों के निर्माण हेतु विभिन्न विषयों के क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रयास है, जिसमें अनुशासन विशिष्ट दृष्टिकोणों से परे आम समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, शोध में ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयासों से हटकर व्यवहारिक उपयोग की आवश्यकता को भी संदर्भित किया जाएगा। ठीक है, सैद्धांतिक प्रयासों से हटकर व्यवहारिक उपयोग की आवश्यकताओं को भी संदर्भित किया जाएगा। यही इसका क्या है, ये सब इसके क्या हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जिस पर काम ये करेगा। आगे देखिए क्या है, यह अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से परे बौद्धिक रूपरेखा की एकता पर बल देता है और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिए विषयों की सीमाओं से परे जाकर समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। यह बहु और अंतर अनुशासनात्मक अवधारणाओं के उपयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट था, करंट का था। ठीक है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे मिस मत करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, याद हो जाएगा सब। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, और UGC ने इसको इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और ये जो NCERT के बारे में हमने लोगों ने देखा है कि गठन कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और UGC के बारे में आज हम लोग देखा है। ठीक है, तो आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल के साथ जोड़ सके बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।